सो आई गाइस तन्मय दिस साइड फ्रॉम ट्रैवलिंग पाजी और आज की वीडियो है अबाउट श्री सिटी जो है अराउंड 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम चेन्नई। और श्री सिटी बेसिकली एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, SEZ जिसे कहते हैं, जिसके बारे में मैं आपको अंदर वीडियो में बताऊंगा कि क्या होता है SEZ और क्या उसका इम्पैक्ट होता है बिजनेस पे और क्या क्या टेक्निकल टर्म्स होती है वो सब अंदर वीडियो में बताऊंगा। बेसिकली ये जागृति यात्रा सीरीज जो हम कर रहे हैं वो है 15 दिन की एक ट्रेन जर्नी, जो 8000 किलोमीटर की ट्रेन जर्नी थी जिसमें 12 सिटीज हम लोगों ने विजिट किया। हम लोगों ने अलग अलग मेंटर्स से मिले और सोशल एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस मॉडल्स देखे हम लोगों ने। और ये जो आज श्री सिटी में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, हम लोग जा रहे हैं एक पेपर फैक्ट्री में जो बेसिकली सिंगापुर की एक पेपर कंपनी है। इसका प्लांट आपको श्री सिटी में देखने को मिल जाएगा। श्री सिटी बेसिकली वो एरिया है जहाँ पे आपको और बहुत ही फेमस ब्रांड्स के प्लांट भी दिखेंगे, जैसे कैडबरी हो गया आपका, MI के अगर आपके पास फोन है तो शायद पॉसिबिलिटी है कि वो श्री सिटी के प्लांट से आया होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे कहते हैं। तो बेसिकली जागृति यात्रा की सीरीज जो है थोड़ी सी अलग होगी, वो रेगुलर जैसे मुंबई और कोलकाता की वीडियोस है वैसी नहीं होगी, जिसके अंदर मैं आपको आइटिनरी बता रहा हूँ, खाने की जगह बता रहा हूँ अच्छी और घूमने की जगह बता रहा हूँ अच्छी। और तो बेसिकली यहाँ पे जागृति यात्रा सीरीज जो फोकस है वो ज्यादा है एजुकेशन पे, लर्निंग पे और नई नई चीजें देखने और सीखने में, जैसे मैं सीख रहा हूँ। क्योंकि इस सीरीज में मैं आपको, ये फोर्थ एपिसोड है इस सीरीज में, अभी तक मैं आपको दिखा चुका हूँ कैसे हम लोगों ने सेकेंड एपिसोड में बहुत ही यूनिक स्कूल देखा, थर्ड एपिसोड में हम लोगों ने अरविंद आई केयर विजिट किया जो बेसिकली वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव आई केयर हॉस्पिटल है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग अक्षय पात्रा में विजिट करेंगे जिसने बिल्कुल रिफॉर्म कर दिया मिड डे मील्स। अगर आपको पता होगा मिड डे मील गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, उसको एकदम नेक्स्ट लेवल पे लेके अक्षय पात्रा हम लोग वहाँ जाएंगे। और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं इस सीरीज़ में जो आने वाली है एजुकेशन और लर्निंग और कुछ नया देखने पे ये सीरीज़ जो है बेस्ड है। अगर आपने रिमेनिंग पार्ट नहीं देखे जागृति यात्रा सीरीज़ के, वो यहाँ पे आई बटन में लिंक्ड होंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ऐसे ही अलग अलग कॉन्टेंट आ रहा है जागृति यात्रा का, मुंबई का और कोलकाता का चैनल पर डल रहा है। बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं इन 3, 2, 1। तो मदुरई तमिलनाडु से ओवरनाइट जर्नी करने के बाद हम लोग आ गए हैं आंध्र प्रदेश में। और बेसिकली अभी हम लोग आए हैं श्री सिटी में। हम लोग एक स्टेशन पे रुक रहे हैं जिसका नाम है टाडा, बड़ा अजीब सा नाम है बट खैर ये हम लोगों का ब्रेकफास्ट है, रेगुलर ब्रेकफास्ट रहता है ट्रेन पे। और ये मेरा काम का वर्कफ्लो था, मतलब आप देख सकते हैं कितनी अजीब तरीके से हम लोग काम कर रहे थे क्योंकि ट्रेन पे थे पूरे दिन, 15 दिन, तो क्या एक्सपेक्ट करते हो आप। तो बेसिकली SEZ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं जिनके ट्रेड लॉस जो होते हैं वो कंट्री के रेगुलर ट्रेड लॉस से डिफरेंट होते हैं, जिसमें बढ़ावा दिया जाता है एम्प्लॉयमेंट को, इन्वेस्टमेंट को और कैसे सेक्टर्स अलग अलग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया आपका, टेलीकॉम सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स ग्रो कर सके। यहाँ पे जो श्री सिटी है वो बेसिकली एक SEZ है, DTZ है, FTWZ है और ये सारे टेक्निकल टर्म्स के मैं नीचे लिंक्स दे दूंगा ताकि आप पढ़ सके आराम से समझ सके। यहाँ पे अलग अलग कंपनियों की 175 कंपनीज जो 27 कंट्री से अक्रॉस द वर्ल्ड की, उन सब की कंपनीज है। फॉक्सकॉन की भी कंपनी है जो बेसिकली एप्पल के और गूगल के और चिप्स वगैरह बनाते हैं जो हम फोन्स में देखते हैं। ये हमारे दीप्ति भैया काम समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ आ रहा है आपको काम? काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है, हो सकता है हम भी शुरू कर दें। तो जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग कंपनीज़ के यहाँ पे फैक्ट्रीज थी, तो हम लोगों को बैचेस में डिवाइड किया हुआ था और हर बैच को एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भेजा था। हम लोग पेपर प्लांट में गए थे जहाँ पे हम लोगों ने, आप देख सकते हैं बहुत सारे पेपर्स पड़े हुए हैं अलग अलग टाइप के। तो बेसिकली इस प्लांट की जो खास बात है वो ये है कि इस प्लांट के लिए ट्रेड लॉज थोड़े से डिफरेंट है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने में इजी रहता है कंपनी को और बहुत सारे अलग बेनिफिट्स होते हैं। रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया, पेपर कम्स इन लाइक दिस ग्रीन फॉर्म, 1, 2, 3, 4। तो जैसे आपने बड़े बड़े वो पेपर के रोल्स देखे, वो एक पेपर का रोल मुझे बताया गया है अराउंड 5000 ये छोटी छोटी कॉपीज जो आप देखते हैं अभी आगे वो बना सकते हैं। तो बेसिकली ये एक बड़ा पेपर का रोल पूरा चढ़ा दिया है और ये पूरी ऑटोमेटेड मशीन है, यहाँ पे किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं है। इस फैक्ट्री का जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो ये था कि यहाँ पे परफेक्ट ब्लेंड था लोगों के बीच में और मशीनों के बीच में, ये प्रोसेस पूरा ऑटोमेटेड है। यहाँ पे बेसिकली इंक चढ़ती है, वो जो हम लोग मैथ्स की नोटबुक्स बनाते हैं जो कॉलम्स होते हैं वो इंक एकदम वैसे चढ़ा देता है और यहाँ पे बेसिकली कटिंग हो रही है पेपर की ताकि वो नोटबुक की शेप ले सके, नोटबुक का जो भी A4 साइज़ या A3 साइज़ नोटबुक की शेप है वो है। और यहाँ पे कवर्स चढ़ रहे हैं, अब देखेंगे कि यहाँ पे कुछ कवर्स कुछ पेपर्स पे कवर चढ़ रहे हैं, कुछ पे नहीं चढ़ रहे क्योंकि वो कलर कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे क्वालिटी चेकिंग होती रहती है, वो ह्यूमंस क्वालिटी चेकिंग करते हैं, यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल रहता है बट बाकी सारा काम मशीन्स करती है। अब यहाँ पे ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये पेपर को और कवर को अलाइन कर रहे हैं एक साथ,
एवरीथिंग इज डन बाय मशीन्स, जिससे जो है ना एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव हो जाती है, प्रोडक्टिविटी बहुत इंप्रूव हो जाती है, और साथ ही साथ आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बिकॉज ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स में। मैं सारे के सारे ये लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो और आपकी लर्निंग में आपको हेल्प हो। इट्स जस्ट अ ब्यूटिफुल प्रोसेस टू वॉच। मेरे फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप याद आ गई मुझे, जहाँ पे जाके बस देखते थे हम, आधा घंटा घूमते थे। पहले देख चुके हो किताबें? हाँ, किताबें देख चुका, टायर देख चुका, बहुत सारे। आपको कैसे लगा? आई रियली लाइक दिस आइडिया, यू नो, मेक इन इंडिया एंड दे आर डूइंग ग्रेट, दे आर नॉट पोल्यूटिंग आवर कंट्री बिकॉज दे आर इम्पोर्टिंग रॉ मटेरियल एंड एक्सपोर्टिंग द रेडी वन। आई वांट दिस। पापड़, अचार, रोटी, अनियन रायता, वेज बिरयानी, दैट्स समथिंग, पनीर बटर मसाला, रायता, पनीर बटर मसाला, वड़ा, बेसिकली बात नहीं, दैट्स बेसिकली बात, दैट्स आलू जीरा एंड दैट्स चिली, लॉट ऑफ फूड। अलग अलग जगह ट्रैवल करने से एक और जो चीज़ बहुत अच्छी आपको मिलती है वो है खाना, और आपको समझ आता है यहाँ पे आप ये जो बनाने देख रहे हैं रेगुलर बनाने नहीं है, दिस वाज द बेस्ट बनाना जो मैंने अब तक खाया था, इतना अमेजिंग टेस्ट था, मैं भूल नहीं सकता इसका टेस्ट। और यहाँ पे आप व्यू देख सकते हैं, कितना सुंदर व्यू था, हम लोगों का एक कॉन्फ्रेंस भी था उसके साथ का व्यू है ये श्री सिटी का, अमेजिंग। और यहाँ पे आप ये मेरे को कमेंट करके बताइए, क्या आपने बॉइल्ड पीनट्स खाए हैं? बिकॉज मैंने कभी बॉइल्ड पीनट्स नहीं खाए थे, और मैंने फर्स्ट टाइम श्री सिटी में खाए थे, और मुझे पता चला कि आंध्रा में और बेसिकली साउथ में बॉइल्ड पीनट्स का बहुत सही कल्चर है और लोग खाते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपने कभी वो खाया है कि नहीं खाया। तो यात्रा के बारे में आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने पहले 4 एपिसोड्स नहीं देखे तो आपको शायद नहीं पता होगा कि ये जो पूरी ट्रेन जर्नी है, यहाँ पे सारा का सारा खाना जो है फ्रेश बन रहा था, किचन में एक पूरी की पूरी बोगी थी जहाँ पे केटरिंग पूरा अपना खाना बना रही थी, और सारा का सारा खाना वेजिटेरियन था। लार्ज स्केल पे अराउंड 700 से 800 लोग थे ट्रेन में, और सारा खाना वेजिटेरियन, फ्रेश और इतना डिलीशियस बन रहा था। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपने कभी पेपर फैक्ट्री देखी थी, क्योंकि मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था। टिम्बर एकदम पेपर, बड़े बड़े पेपर रोल से कैसे उसकी एक कॉपी बन जाती है नोटबुक, और इंटरेस्टिंग सा था अगर आप देखें, क्योंकि ऐसे फुली ऑटोमेटेड थी वो पूरी मशीन, बट वहाँ पे मतलब इट वॉज अ परफेक्ट सिंक ऑफ पीपल एंड मशीन्स, मतलब वहाँ पे लोग भी काम कर रहे थे, ऐसा नहीं था पूरी मशीन, पूरी जो फैक्ट्री थी वो मशीनों से चल रही थी, बट वहाँ पे फुली ऑटोमेटेड प्रोसेस था जिससे एफिशिएंसी बढ़ रही थी, और साथ साथ में लोग भी काम कर रहे थे, तो एम्प्लॉयमेंट भी थी और प्रोडक्टिविटी भी थी, जस्ट लाइक जस्ट ब्यूटिफुल। आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा ये पेपर प्लांट, और कैसा आपको प्रोसेस लगा, बिकॉज प्रोसेस भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जागृति यात्रा सीरीज में जैसे मैंने आपको बताया, अक्षय पात्रा नेक्स्ट वीडियो में, अक्षय पात्रा की वीडियो आने वाली है कि कैसे अक्षय पात्रा मिड डे मील स्कीम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, और कैसे फूड एरिया और फूड और चिल्ड्रन सेक्टर को कैसे रिफॉर्म कर रहा है अक्षय पात्रा। मैं तन्मय फ्रॉम ट्रैवलिंग बाजी अभी निकलता हूँ किसी और बढ़िया जगह की खोज में आप लोगों के लिए, आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एंजॉयिंग एंड कीप ट्रैवलिंग। बाय बाय नाउ।